नमस्कार दोस्तों, देव के म्यूजिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं मोटिवेशन अनमोल विचार। जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। कभी हार भी जाओ तो ऐसे हारों की जीतने वाले से ज्यादा चर्चे आपके हो। मुस्कुराने से चेहरे की खूबसूरती 100 गुना बढ़ जाती है, लेकिन पता नहीं लोग बैंगन जैसा मुंह क्यों बनाते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आपके पास जो कुछ भी है सबसे अच्छा है। किसी आदमी की आर्थिक स्थिति भले ही कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का सही आनंद उठाने के लिए मानसिक स्थिति का बेहतर होना बहुत जरूरी है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहो। जो लोग आपकी जिंदगी में बार बार कील की तरह चुभे, उन्हें एक बार हथौड़ी बनकर थोक देना ही उचित रहेगा। फिर से प्रयास करने में कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत जीरो से नहीं, आपके पिछले अनुभव से होगी। हर किसी के लिए मुस्कुराने की वजह बनो, उनके दुखों की नहीं। जो लोग आपकी बुराई करते हैं उन पर ध्यान मत दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर पाते। लोग मुझे डुबाने के तरीके खोजते रहे, मैंने तैरना सीख लिया। संदेह मुसीबतों के पहाड़ बना देता, जबकि विश्वास पहाड़ों से भी रास्ता बना देता। सितारे उन्हीं के चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना नहीं रोते। दुनिया बहुत ही खराब होती जा रही है, इस दुनिया में कई सारी बातें इतनी कड़वाहट होती है, हमारा जीना मुश्किल होते जा रहा है। कुछ ऐसी सच्ची बातें शेयर कर रहे हैं जिसे पढ़कर आपको लगेगा कि यह सच्ची बातें आपके जीवन से मेल खाती है। ये सच्ची बातें आपको कड़वी लगेगी या कड़वी, मगर सच्ची बातें हैं। कड़वी मगर सच्ची बातें। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोग लालच, क्रोध, बुरे विचार ही घोलते हैं। याद रहे, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। सुकून ढूंढोगे तो खुद में ही मिलेगा, दूसरों में ढूंढोगे तो उलझने ही मिलेंगी। एक मुस्कान दुनिया को बदल सकती है और इसे और उज्जवल बना सकती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। तन जितना घूमता रहे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जीना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। लोग अक्सर सच्चाई की भूख का दावा करते हैं, लेकिन जब इसे परोसा जाता है तो शायद ही कभी इसका स्वाद पसंद आता है। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। बुरे वक्त का बस एक ही फायदा होता है कि वह लोग आपकी जिंदगी से अपने आप निकल जाते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। सुकून ढूंढोगे तो खुद में ही मिलेगा, दूसरों में ढूंढोगे तो उलझने ही मिलेंगी। जब जिंदगी आपको रोने की 100 वजहें दे, जिंदगी को दिखाओ कि तुम्हारे पास मुस्कुराने की 1000 वजहें हैं। जीवन एक साइकिल की तरह है जिसमें आपको संतुलन बनाकर चलते रहना पड़ेगा। लोग सफलता के रास्ते में मिलने वाली हार के कारण फिर से प्रयास करना छोड़ देते हैं, यही सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। जीवन केवल अपने बारे में नहीं है, हम दुनिया का हिस्सा है, इसलिए इंसानियत को अधिक महत्व दीजिए। जिनकी मेहनत जानलेवा होती है वो किस्मत के अच्छे या बुरे होने का इंतजार नहीं करते। गंगा किनारे डुबकी लगाने से मनुष्य की ग्राही शुद्धि संभव है। अंतरात्मक शुद्धि तो नेक विचार सभ्य व्यवहार से होती है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। रिश्ते को कामयाब बनाए रखने के लिए प्यार, एक दूसरे की कदर, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बहुत जरूरी है। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। माँ हम सबके जीवन का एक ऐसा फूल है, जो हो तो जिंदगी खिल जाए और ना हो तो जिंदगी का खिला फूल भी मुरझा जाए। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं।
पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो या हम से या फिर वहम से हो। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी मिलता। कड़वा सत्य, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटे खाए हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। जहां नाराजगी की कदर ना हो, वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, अच्छे कर्म इंसान को महान बना देते हैं। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुख पर सच बोलकर तो देखिए, इंसान का एक नया रंग सामने आएगा। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनका कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिनको वक्त दो वो कदर नहीं करता। किसी रिश्ते की लंबी उम्र के लिए उसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर किसी रिश्ते में विश्वास की कमी है तो उसका टूटना निश्चित है। ये याददाश्त भी बहुत अजीब है मेरे दोस्त, किसी चीज को याद रखना चाहो तो वो अक्सर भूल जाती है, और किसी चीज को भूलना चाहो तो वो हर पल याद आती है। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर रखे। जितना ज्यादा जिसको भाव दोगे, खुद के भाव उतना गिराते जाओगे। जो आपसे बात करना बंद कर देता है, वो फिर दूसरों से आपके बारे में बात करने लगता है। अगर बात करते सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो। आमी तोमा के भालूबाशी एक बंगाली वाक्य है जो सम्मान, मोहब्बत और प्रेम का प्रतीक है, जो एक सुंदर वाक्य है। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी हमेशा सुनने लिए हमारे YouTube चैनल देव के म्यूजिक स्ट्री लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखना न भूले सर। धन्यवाद।